Hello guys, I am Shishpal Chauhan. Today, I welcome you in my online teaching classes. मैं आप सबका अपनी online teaching classes में स्वागत करता हूँ. आज मैं आप सबके सामने रॉबर्ट ब्राउनिंग की मशहूर पोएम My Last Duchess की तीसरी वीडियो लेके आया हूँ. इससे पहले भी दो वीडियोस आपने देख ली होंगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इन वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे. Dear audience, some patience is required for understanding my videos because they become lengthy and every word, every phrase has been explained in a detailed manner so that you may understand each and every line of the poem. जब मैं पोएम को एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो थोड़ा डिटेल में चला जाता हूँ ताकि आपको एक एक शब्द पूरी अच्छी तरह से याद हो. और इसी वजह से मैं एक्सप्लेनेशन में जो भी वर्ड आते हैं, फ्रेजेज आती हैं या कोई इम्पोर्टेंट लाइन है उसको अलग से भी समझाता हूँ. कभी भी परफेक्शन तो होती नहीं लाइफ में, फिर भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश सदैव बनी रहती है. सो जब भी आपको लगे कि आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. आई विल अप्रिशिएट इट एंड ट्राई टू फॉलो इट. तो देखिए थर्ड वीडियो ऑन माय लास्ट डचेस रिटन बाय रॉबर्ट ब्राउनिंग द ग्रेट पोएट ऑफ विक्टोरियन इरा. लेट्स गो अहेड. दिस इज वीडियो लेक्चर 3 लाइंस 21-31. द लाइंस ऑफ द पोएम हियर यू मे सी देम. ओके. शी हैड अ हार्ट हाउ शैल आई से टू सून मेड ग्लैड टू इजीली इम्प्रेस्ड शी लाइक्ड Whatever she looked on, and her looks went everywhere. Sir, it was all one, my favor at her breast. The dropping of the daylight in the west, the bough of cherries some officious fool broke in the orchard for her, the white mule. She rode with round the terrace, all and each would draw from her alike the speech or blush at least. So, dear students, these are the lines I am going to explain. First of all, I'll discuss with you important words and expressions. Those were there in these lines, right? First expression is, it was all one. The Duchess had no sense of discrimination between high and low, right and wrong, worthwhile and worthless. Let me explain in Hindi also. Duke messenger को कहता है, Duchess अपनी previous पत्नी के बारे में बता रहा है कि किस तरह से she had no sense of discrimination, कि उसको पता ही नहीं था कि अंतर क्या होता है, discrimination क्या होता है, कि किस तरह से ऊंच नीच में अंतर किया जाता है. How to discriminate between high and low, right and wrong, worthwhile and worthless. कि ऊंच नीच में, सही और गलत में, और worthwhile means कीमती चीज में और बेकार चीज में कैसे अंतर किया जाता है. She didn't know anything about that. उनके लिए सभी वस्तुएं एक जैसी थी, सभी चीजें एक जैसी थी. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, इट मीन्स द कॉस्टली ऑर्नामेंट प्रेजेंटेड टू हर बाय द ड्यूक वॉज वर्न बाय हर एट हर ब्रेस्ट. शी कुड नॉट इवन फाइंड डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू हर बाय हर हस्बैंड एंड द वंस प्रेजेंटेड टू हर बाय सम फूलिश एडमायरर. माई फेवर एट हर ब्रेस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि ड्यूक ने अपनी पत्नी को, प्रीवियस वाइफ को, कॉस्टली मीन्स वैल्यूबल, कीमती गहना दिया था, ऑर्नामेंट कोई गहने के रूप में उपहार दिया था जो उसने अपनी ब्रेस्ट के ऊपर पहना हुआ है. शी कुड नॉट इवन फाइंड डिफरेंस बिटवीन द गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू हर बाय हर हस्बैंड एंड द वंस प्रेजेंटेड टू हर बाय सम फूलिश एडमायरर. डचेस के लिए कोई अंतर नहीं था जो उपहार उसके पति ने दिया या किसी बेवकूफ प्रशंसक ने दिया, तो उन दोनों उपहारों के बीच में कोई अंतर नहीं था. उनके लिए उतनी ही खुश वो अपने पति के उपहार लेने पे हुई थी जितने कि वो किसी बेवकूफ प्रशंसक की कोई वस्तु उपहार स्वरूप प्राप्त करने पे वो खुश हुई होगी, उतनी ही खुशी प्रकट करती थी. तो इससे ड्यूक को बुरा लगता था कि
डचेस को कोई सेंस ही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इसके अंदर कि किस तरह से पति के उपहार में और आम व्यक्ति के उपहार में अंतर किया जाए। जो अप्रिशिएशन उसने अपने पति को दी उससे कम अप्रिशिएशन उसे किसी और प्रशंसक को देनी चाहिए थी। इतनी एक्साइटेड हो के किसी मूर्ख प्रशंसक को वो अगर कर्टसी दिखाए, अपना शिष्टाचार दिखाए उसको थैंक्स करके, तो ये उसे बिल्कुल सहन नहीं था। द थर्ड वन इज द ड्रॉपिंग ऑफ द डे लाइट, इट मीन्स द सनसेट। डे लाइट के ड्रॉप होने पर मीन्स सूरज के छिप जाने पे। फोर्थ, सम ऑफिशियस फूल मीन्स सम इरिटेटिंग फूल, इरिटेट करने वाला, जो जिसे चिढ़ पैदा होती है उसे ऑफिशियस कहा जाता है। द पर्सन हु इंटरफियर्स इन अदर्स अफेयर्स, दूसरों के मामले में जो दखल अंदाजी करे, जो विघ्न डाले, अड़चन पैदा करे, उसे ऑफिशियस कहते हैं। टेरेस मीन्स अ रेज्ड एरिया इन ए हाउस फॉर वॉकिंग एटसेट्रा। द अप्रोचिंग स्पीच मीन्स वर्ड्स ऑफ थैंक्स एंड एडमिरेशन। लेट मी एक्सप्लेन द लाइन्स नाउ। द ड्यूक टेल्स द मैसेंजर दैट ही फाइंड्स इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ ए चाइल्डिश हार्ट हिज प्रीवियस वाइफ हैड। ड्यूक को यह समझाने में, यह एक्सप्लेन करने में काफी कठिनाई हो रही है कि वो कैसे अपनी पत्नी के चाइल्डिश हार्ट को एक्सप्लेन करे, बताए कि किस टाइप का उसकी पत्नी का दिल था। एक बच्चों जैसा दिल था उसकी प्रीवियस वाइफ का। इट वॉज सच ए सिंपल हार्ट दैट इट कुड बी इन्फ्लुएंस्ड इजिली बाई वन एंड ऑल। इतना साधारण दिल था कि कोई भी व्यक्ति उसको प्रभावित कर दे। शी वुड फील ग्लैड एट एनीथिंग शी लुक्ड एट, जो भी वस्तु वो देखती उससे ही वो खुश हो जाती। शी कुड नॉट अप्लाई रिस्ट्रेन एट हर आइज, शी शुड हैव बीन सिलेक्टिव इन लुकिंग एट थिंग्स और पीपल। आफ्टर दिस द ड्यूक कोट्स सेवरल एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस पॉइंट। He says that she had no sense of discrimination. She could not apply restraint at her eyes. अपनी आँखों पे वो काबू नहीं कर पाती थी। She should have been selective in looking at things or people. Duke के मुताबिक उसे selective होना चाहिए था चीजों पे, या लोगों की तरफ देखने में या वस्तुओं की तरफ देखने में उसे सिलेक्टिव होना चाहिए था। उसे कंट्रोल करना चाहिए था अपनी भावनाओं पे। ऐसे मुंह भर के किसी भी व्यक्ति को देखे जाना, किसी भी वस्तु को एक्साइटेड होके देखे जाना, हैरान होके देखे जाना, ये ड्यूक को अच्छा नहीं लगता था। आफ्टर दिस, इसके पश्चात, द ड्यूक कोट्स सेवरल एग्जाम्पल्स, ड्यूक कुछ और एग्जाम्पल कोट करता है टू प्रूव दिस पॉइंट, इस पॉइंट को साबित करने के लिए कि किस तरह से चाइल्डिश हार्ट था, छोटी सी बात पे वो प्रभावित हो जाती थी और अपनी नजरों पे किस तरह से वो कंट्रोल नहीं कर पाती थी, हर वस्तु को वो एक्साइटेड होके, हैरान होके देखा करती थी। इसके लिए जो कुछ एग्जाम्पल देना चाहता है, He says that she had no sense of discrimination, और ये निष्कर्ष निकालना चाहता है कि उसे अंतर करने की कोई सेंस नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन की कोई सेंस नहीं थी। She had no sense of discrimination. It was all the same. If the Duke presented her with some jewelry to wear around her neck, if she watched at the sunset, if some irritating fool brought her the bow of cherries, if she rode on a white mule round the terrace, all these activities will excite her alike. This is mule, not mute. This is al, mule. It was all the same. Duchess के लिए सब कुछ एक जैसा था। जैसे कि if the Duke presented her with some jewelry to wear around her neck, अगर Duke ने उसे कोई उपहार दिया, कोई ज्वेलरी दी कि वो अपने गले के चारों तरफ पहन ले, if she watched at the sunset, सूर्य अस्त होने के दृश्य को देखा उसने, if some irritating fool brought her the bow of cherries, यदि किसी बेवकूफ ने उसके लिए चेरीज की कोई टहनी जिसपे फूल भी हो या फल भी हो लेके आया उसके लिए, if she rode on a white mule round the terrace, यदि उसने टेरेस में एक खच्चर पे बैठ के, म्यूल पे बैठ के सैर की, ऑल दीज एक्टिविटीज विल एक्साइट हर अलाइक, ये सारी एक्टिविटीज उसको बराबर रूप से एक्साइट करती थी।
She should have felt more excited at the Duke's presenting her the necklace and showed less intensity of excitement on receiving the bow of cherries that an officious fool brought to her. उसे क्या करना चाहिए था? उसे ड्यूक के उपहार पे अधिक इंटेंसिटी ऑफ फीलिंग शो करनी चाहिए थी, उस पे अधिक एक्साइटमेंट प्रकट करनी चाहिए थी, बजाय इसके कि सेम टाइप की एक्साइटमेंट वो किसी बेवकूफ के उपहार पे करे जो उसके लिए चेरीज के ब्लॉसम या कोई टहनी लेके उसके लिए आया। उस बेवकूफ के उपहार पे उसे कम खुशी जाहिर करनी चाहिए थी और अपने पति के द्वारा दिए गए नेकलेस पे अधिक एक्साइटमेंट प्रकट करनी चाहिए थी। आफ्टर ऑल शी वाज द वाइफ ऑफ ए ड्यूक who had 900 year old reputation to the credit of his family. आखिरकार वो एक ड्यूक की पत्नी है जिसका खानदान 900 साल पुरानी ख्याति प्राप्त है, जिसका खानदान 900 सालों से जाना जाता है समाज में, उसका 900 सालों पुराना दर्जा है, इज्जत है खानदान की, तो इस वजह से ड्यूक को ये बात जस्टी नहीं है। Now let's explain it critically, critical analysis देख लेते हैं। The Duke was very class conscious. He was not at all democratic in his ideas. He did not believe in the goodness of a human heart. That is the reason why he could not appreciate the inner beauty of the Duchess. पहली बात कि Duke class conscious था। कौन व्यक्ति class conscious होता है? जो ऊंच नीच में फर्क करता है, जो गरीब अमीर में अंतर करता है, जो अपने आप को aristocratic मानता है कि हम ऊंचे लोग हैं और ये गरीब हैं, इनके रहन-सहन low standard का है, हमारा रहन सहन अप है काफी, तो उस व्यक्ति को क्लास कॉन्शियस कहते हैं। और वो बिल्कुल भी अपने विचारों में डेमोक्रेटिक नहीं था। डेमोक्रेटिक कौन होता है? जो लोकतांत्रिक होता है, सबके विचारों को समान दर्जा देता है। He did not believe in the goodness of human heart. मानवीय हृदय में जो अच्छाई होती है उसमें विश्वास नहीं था। That is the reason why he could not appreciate the inner beauty of the Duchess. तभी तो वो डचेस की जो आंतरिक सुंदरता थी, जो उसकी दिल की अच्छाई थी, उसकी अप्रिशिएट नहीं कर पाया, उसकी प्रशंसा नहीं कर पाया। Let me take lines. She thanked men good, but thanked somehow I know not how, as if she ranked my gift of a 900 years old name with anybody's gift. Let me explain the word meanings and important lines. To rank means to give importance or value to someone or something. Rank का अर्थ होता है किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को महत्व देना, rank करना, value देना। My gift of a 900 years old name. इसका अभिप्राय क्या है? What is the meaning of this expression? The Duke's family had a glorious history of 900 years and the gift he gave to her must be taken in view of that importance. Duke कहता है कि उसके परिवार की जो हिस्ट्री है, शानदार हिस्ट्री 900 वर्ष पुरानी है, और जो गिफ्ट ड्यूक ने अपनी पत्नी को दी, तो उसकी पत्नी को उसके खानदान की शानदार हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए महत्व देना चाहिए था। एक्सप्लेनेशन। द ड्यूक टेल्स द मैसेंजर दैट हिज वाइफ डिड नॉट हैव द सेंस ऑफ रैंकिंग थिंग्स एंड बिहेवियर। ही डिडंट माइंड थैंकिंग पीपल फॉर द लिटिल कर्टसी शोन टू हर, बट द वे इन विच शी थैंक्ड देम वाज नॉट टॉलरेबल टू हिम। शी थैंक्ड देम विद द सेम डिग्री ऑफ इंटेंस फीलिंग्स एज शी डिड टू हर हस्बैंड। The Duke tells the messenger, Duke messenger को कहता है that his wife didn't have the sense of ranking things and behavior, कि उसकी पत्नी में sense of ranking नहीं थी, अर्थात उसे व्यवहार को पहचानने में या वस्तुओं को पहचानने में अंतर करना नहीं आता था, कि किस तरीके से उसे अपने पति के द्वारा दिए गए उपहारों में और आम व्यक्ति के दिए गए उपहारों में अंतर करना चाहिए था, अपने पति की तरफ क्या बिहेवियर करना चाहिए और आम लोगों के साथ क्या व्यवहार करना चाहिए, इन बातों का उसे अंतर ज्ञात नहीं था, अंतर पता नहीं था। He didn't mind thanking people for the little courtesy shown to her. छोटे-छोटे शिष्टाचार अगर वो लोगों की तरफ दिखाती है तो इससे उसको कोई जलन नहीं थी, इसके लिए उसे कोई गुस्सा नहीं था। But the way in which she thanked them was not tolerable to him.
थोड़ा बहुत शिष्टाचार दिखा दे लोगों को तो इतनी बड़ी बात नहीं थी, परंतु जिस तरीके से वो लोगों का धन्यवाद करती थी, उनके छोटे छोटे उपहारों पे उनका धन्यवाद करती थी, ये बात ड्यूक को सहन नहीं थी, टॉलरेबल नहीं थी। शी थैंक्ड देम विद द सेम डिग्री ऑफ इंटेंस फीलिंग्स। वह जब आम व्यक्ति की गिफ्ट का धन्यवाद करती थी उसमें उतनी ही इंटेंस फीलिंग होती, उतनी ही भावनाओं की गहराई होती जितनी कि वह अपने पति के द्वारा दी गई गिफ्ट्स पे धन्यवाद करती थी। भावनाओं की जो गहराई अपने पति के द्वारा दिए गए गिफ्ट्स पे वो दिखाती थी, सेम टाइप की गहराई वो आम लोगों को दिखाती थी, ये बात ड्यूक को बिल्कुल सहन नहीं थी। द ड्यूक प्रेजेंटेड हर अ नेकलेस दैट शी वोर ऑन हर ब्रेस्ट। इट वॉज द गिफ्ट दैट हैड द 900 ईयर ओल्ड डिग्निटी ऑफ फैमिली हिस्ट्री अटैच्ड टू इट। इवन देन शी रैंक्ड इट विद द स्मॉल गिफ्ट्स प्रेजेंटेड टू हर बाय एनीवन एल्स। शी शुड हैव shown the sense of discrimination while receiving gifts from her husband and other people. The Duke presented her a necklace. Duke ne apni patni ko ek necklace upahar swarup diya that she wore on her breast, jo usne apni breast pe pehna tha, aur it was the gift that had the 900 year old dignity of family history attached to it. Aur us upahar ke sath uske parivar ki 900 saal purani family history judi hui thi, उसके परिवार की 900 साल पुरानी जो इज्जत थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो जुड़ी हुई थी उस उपहार के साथ। फिर भी इवन देन उसने उस उपहार को उसी दृष्टि से देखा जो उपहार उसने लोगों से प्राप्त करे, तो उसी दृष्टि से उसी वैल्यू के साथ उसने उस उपहार को देखा। शी शुड हैव शोन द सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बाय रिसीविंग गिफ्ट्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड द अदर। ड्यूक कहने का मतलब ये है कि उसका जो देखने का या स्वीकार करने का, किसी उपहार को स्वीकार करने का दृष्टिकोण डिफरेंट होना चाहिए था। जो गिफ्ट वो अपने पति से प्राप्त करती है और जो गिफ्ट्स वो दूसरे लोगों से प्राप्त करती है उसमें अंतर होना चाहिए। दैट वॉज इनटॉलरेबल टू द ड्यूक। क्रिटिकल एनालिसिस। इन द अबव लाइन वी कम टू नो हाउ द ड्यूक वॉज क्लास कॉन्शियस। ऊपर की पंक्तियों में हमें पता चलता है कि ड्यूक क्लास कॉन्शियस था। क्लास कॉन्शियस का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया है। He believed in some social discrimination while his wife was equal to all in her behavior. He believed in social discrimination. जो ड्यूक था वो social discrimination में विश्वास करता था। जो status का अंतर होता है, सामाजिक अंतर है, उसमें विश्वास करता था। गरीब गरीब अमीर में अंतर करता था, छोटे बड़े में अंतर करता था, ऊंच नीच में अंतर करता था, जबकि पत्नी के बिहेवियर में कोई अंतर नहीं था, वो सब को एक समान मानती थी। शी हैड ए सिंपल एंड इनोसेंट हार्ट। उनका बहुत ही सिंपल और इनोसेंट हार्ट था, दिल उनका बहुत ही साधारण था और मासूम था। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे द थर्ड वीडियो एंड्स अप हियर। आई शैल ब्रिंग फोर्थ वीडियो फॉर यू। टिल देन हैव ए नाइस डे। थैंक यू।